हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। तो यहाँ पे रियलमी ने काफ़ी तबाही मचा दी है और काफ़ी कमाल का डिवाइस लॉन्च किया है, रियलमी 3 प्रो डिवाइस। तो यहाँ पे ये डिवाइस ऑलरेडी लीक हो चुका था पहले ही और इसके सारे फीचर्स हमें पता चल चुके थे लॉन्च होने के पहले ही। तो वही डिवाइस बेसिकली यहाँ पे आया है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि भाई इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे आज लॉन्च इवेंट में क्लियर कर दी गई हैं। तो आज के अपने वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि किस जगह पे रियलमी 3 प्रो डिवाइस रेडमी नोट 7 प्रो डिवाइस को पूरी तरह से हरा देता है। जी हाँ, Redmi Note 7 Pro डिवाइस है मेरे पास और Realme 3 Pro डिवाइस फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं कि भाई किस जगह पे Redmi Note 7 Pro पूरी तरह से हार जाता है, पूरी तरह से पीछे रह जाता है फीचर्स के मामले में Realme 3 Pro डिवाइस से। अब यहाँ पे आपको Realme 3 Pro डिवाइस की स्पेक्स ऑलमोस्ट पता होंगी, अगर नहीं पता तो भाई यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और अगर बात करते हैं प्राइसिंग की, तो यहाँ पे Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro डिवाइस दोनों ही सेम प्राइसिंग के साथ आते हैं, यानी कि 464 GB वाला वेरियंट आपको 13,999 का मिलता है और 6 128 GB वाला वेरियंट आपको 16,999 रुपए का मिलता है। तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले फीचर की, जहां पे Realme 3 Pro डिवाइस Redmi Note 7 Pro डिवाइस को पूरी तरह से बीट करता है, और वो है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। जी हां, Realme 3 Pro डिवाइस में आपको Snapdragon 710 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है और ये 10 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। और यहां पे आपको जो एज मिलता है वो है इसका GPU, यहां पे आपको Adreno का 616 GPU देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको काफी कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी। हालांकि अगर बात करते हैं तो Redmi Note 7 Pro डिवाइस में जो चिपसेट लगा है 675, वो काफी नया चिपसेट है और काफी बढ़िया, काफी कैपेबल चिपसेट है, लेकिन अगर बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की तो भाई 710 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। यहां पे आपको 675 चिपसेट में 612 GPU मिलता है, जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, हालांकि आप इसमें PUBG जैसे गेम्स को आसानी से प्ले कर सकते हैं। और वहीं पे आपको 710 चिपसेट पे Fortnite गेम का सपोर्ट भी मिल जाता है और गेमिंग परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेटर मिल जाएगी Realme 3 Pro डिवाइस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे बेंचमार्किंग स्कोर्स की, तो GPU परफॉर्म करता है ज्यादा बेटर Realme 3 Pro डिवाइस का, लेकिन CPU वहीं पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है Redmi Note 7 Pro डिवाइस का। तो अगर आप एक गेम लवर हैं तो भाई आपके लिए Realme 3 Pro डिवाइस ज़्यादा बेटर चॉइस हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसमें Realme 3 Pro डिवाइस Redmi Note 7 Pro डिवाइस को पूरी तरह से किल कर देता है, पूरी तरह से बीट कर देता है, और वो है इसमें Vooc 3.0 चार्जिंग आपको मिलती है। Vooc Flash 3.0 का सपोर्ट आपको मिलता है, यानी कि यहाँ पे आप 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग का मजा ले सकते हैं, और ये पूरी तरह से बीट कर देती है Redmi Note 7 Pro डिवाइस में जो क्विक चार्ज 4.0 टेक्नोलॉजी दी गई है। यहाँ पे Realme 3 Pro डिवाइस में आपको 4045 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और इसे ये 1 घंटे 20 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर ही 20 वॉट का Vooc 3.0 सर्टिफाइड चार्जर देखने को मिल जाता है, तो भाई यहाँ पे पूरी तरह से बीट कर देता है। और वहीं पे आपको Redmi Note 7 Pro डिवाइस में क्विक चार्ज 4.0 सर्टिफिकेशन मिलता है फास्ट चार्जिंग के लिए, लेकिन आपको बॉक्स में 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर दिया गया है, आपको 18 वॉट का चार्जर अलग से लेना पड़ता है इसके लिए। और Redmi Note 7 Pro डिवाइस में भी आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन जब मैंने इसे क्विक चार्ज 3.0 सर्टिफाइड चार्जर से 18 वॉट के चार्जर चार्ज किया था, तो इसे फुल चार्ज होने में तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट का टाइम लग गया था। तो भाई फास्ट चार्जिंग अगर आपको ज़्यादा बेटर चाहिए, Vooc चार्जिंग चाहिए, तो आप Realme 3 Pro की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि Realme 3 Pro में आपको जो Vooc 3.0 चार्जिंग मिल रही है ना, वो काफ़ी कमाल की है। अब इसी के साथ एक और पॉइंट है कि भाई आपको Realme 3 Pro डिवाइस में डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको डुअल सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है, तो आप मेमोरी को भी थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप 64 GB वाला वेरिएंट भी परचेस करते हैं तब भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। वहीं Redmi Note 7 Pro डिवाइस में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि आप इसमें मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सिम की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे Realme 3 Pro डिवाइस में आपको बेटर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। Redmi Note 7 Pro डिवाइस में आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे Realme 3 Pro डिवाइस में आपको 25 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है F2.0 अपर्चर के साथ, जो कि मेरे हिसाब से काफी कमाल की बात है। तो यहां पे आपको सेल्फी में काफी कमाल के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो Realme 3 Pro डिवाइस में भी आपको डुअल रियर कैमरा दिए गए हैं। यहां पे जो प्राइमरी सेंसर है वो है सोनी का IMX519 सेंसर, जो कि OnePlus 6T डिवाइस में भी लगा था, तो भाई आपको इसमें रियर कैमरा से भी काफी कमाल के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और 5 MP का सेकेंडरी कैमरा मिल जाता है डेप्थ सेंसिंग के लिए, और साथ में यहां पे आपको Realme 3 Pro डिवाइस में सुपर स्लो मोशन का सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन अगर यहां पे बात करते हैं स्लो मोशन की, तो फुल HD वीडियोस
आप 120 fps पे शूट कर सकते हैं स्लो मोशन में, लेकिन अगर आप चाहें तो 720p रेजोल्यूशन पे 960 fps में वीडियोस को शूट कर सकते हैं स्लो मोशन में, सुपर स्लो मोशन में। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे मोशन इंटरपोलेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा तो ये उतना स्मूथ नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। बट एटलीस्ट हमें इस बजट के फ़ोन में 960 fps का स्लो मोशन सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। वहीं पर Redmi Note 7 Pro डिवाइस में आपको मैक्सिमम 120 fps पे स्लो मोशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो गाइज ये तो हो गया कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पे Realme 3 Pro डिवाइस टोटली बीट कर देता है Redmi Note 7 Pro डिवाइस को। लेकिन Redmi Note 7 Pro अपने आप में काफ़ी कमाल का डिवाइस है। यहाँ पे डिज़ाइन इन हैंड फील की बात करें और कैमरा भी इसका काफ़ी लाजवाब है। कुछ कमियाँ हैं, कुछ इशूज़ इसके साथ भी हैं, लेकिन Redmi Note 7 Pro डिवाइस काफ़ी धांसू डिवाइस है। और Realme 3 Pro डिवाइस में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग मिल जाता है। जैसे कि आपको Redmi Note 7 Pro डिवाइस में काफ़ी बढ़िया ग्लास बैग दिया गया है, वैसे आपको उतनी अच्छी फील नहीं आएगी Realme 3 Pro डिवाइस में। और इसी के साथ में आपको माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। 2019 में आपको माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, हालांकि आपको यहाँ पे वूक 3.0 सर्टिफाइड चार्जर दे दिया गया है, तो हो सकता है इसकी भरपाई कर दी है ऑलरेडी Realme ने, लेकिन फिर भी अगर टाइप सी होती तो बात कुछ और ही होती। तो अगर आपको Realme 3 Pro डिवाइस परचेस करना है तो भाई इसकी सेल स्टार्ट होगी 29th अप्रैल को और फ्लैश सेल मॉडल के साथ ये लॉन्च किया जाएगा पहली बार flipkart.com और realme.com के ऊपर। और अगर आपको ये डिवाइस सस्ते में परचेस करना है तो भाई आप ₹1000 का फ्लैट डिस्काउंट भी पा सकते हैं अगर आप यूज करते हैं HDFC का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। तो 29 तारीख को आप इसे परचेस कर सकते हैं, दोपहर 12 बजे इसकी सेल स्टार्ट होगी। तो गाइस ये थे Realme 3 Pro डिवाइस के कुछ ऐसे फीचर्स जो कि ज्यादा बेटर है Redmi Note 7 Pro डिवाइस से। हालांकि Redmi Note 7 Pro डिवाइस भी अपने आप में एक लाजवाब डिवाइस है और इसके भी अपने प्रोज हैं, अपने फीचर्स हैं जो कि काफ़ी धांसू हैं और कई मामलों में ये Realme 3 Pro डिवाइस को भी बीट करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं तो मैं बना सकता हूं, आप मुझे बस कमेंट करके बता दीजिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।